हैदराबाद में पीडीएम के जलसे की तैयारियां, हिटरी ग्राउंड तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं, झंडियां सजा दी गईं। बिलावल और मौलाना जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज बेटी के एक्सीडेंट के सबब जलसे में शरीक नहीं होंगी। सेनेट इलेक्शन का मामला, बिलावल भुट्टो का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान, कहते हैं ओपन बैलेट में भी हुकूमत को टफ टाइम देंगे। रावलपिंडी जाना है या इस्लामाबाद, मुशावरत कर ली है। काबीना का इजलास आज होगा, पीडीएम तहरीक और लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर गौर होगा। नई एहतसाब अदालतों के कयाम की समरी मंजूरी के लिए पेश होगी। किसी किस्म के कोई बैकडोर राबते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दे कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग है। सियासत से कोई ताल्लुक है ना किसी से बैकडोर राबते किए, इल्जाम न लगाओ सबूत लाओ। DGISPR ने तनकीद करने वालों पर वाज़े कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला का एहतजाज, तोड़फोड़, शदीद नारेबाजी, चीफ जस्टिस चैंबर में महसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हमले में मुलव्वस वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज, पुलिस के छापे, लाइसेंस मुअत्तली के लिए बार काउंसिल को रेफरेंस भेजने की तैयारी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस में अहम पेशरफ, चार शहरियों का सुराग लगा लिया गया। सिकंदर, साहिल और सरफराज घर आ गए। CTD ने लापता शहरी सलमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने तमाम दरखास्तें निमटा दी। मुल्क में कोरोना मजीद 40 जिंदगियां निगल गया, मजमू तादाद 12,066 हो गई, 1,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई आज होगी, 100 अमरीकी सेनेटर्स मुआखजे की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। कार्रवाई से कबल ट्रंप गोल्फ खेलने में मसरूफ।